सीएम हेमंत सोरेन ने कहा था कि झारखंड के अंदर बाहरी ताकतों का गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह के विगत 20 वर्षों से राज्य को तहस नहस करने का संकल्प लिया था। जब उन्हें 2019 में उखाड़ फेंका गया तो उन षड्यंत्रकारी को यह बर्खास्त नहीं हो रहा था और अगर हम यहाँ टिक गए तो उनका आने वाला समय मुश्किल से भरा होने वाला है। वही बता दें कि हमारे विरोधी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं है। राजभवन के सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन ने अयोग्यता पर राज्यपाल चुनाव आयोग की राय पर फैसला ले सकते हैं। उससे पहले ही सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा अन्य विकल्प की तलाश में लगा है। वहीं लिहाजा शुक्रवार को हेमंत सोरेन ने झारखंड में यूपीए के सभी विधायकों की बैठक ली। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन के साथ चर्चा हुई। दरअसल चुनाव आयोग ने झारखंड सीएम हेमंत सोरेन पर लाभ के पद पर होने का आरोप पर अपनी सिफारिश राज्यपाल को भेजी थी जिसमें ईसी ने सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। बाकी अब देखना है कि चुनाव आयोग का फैसला जो आने वाला होगा क्या होगा उसमें और क्या क्या खुलासे हो सकते हैं। क्या सीएम सोरेन जो है वो इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।